नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी में विधानसभा चुनाव जीतकर फिर से सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी एक के बाद एक रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी तमाम तरह के समीकरण साधने में लगी हुई है, तो वहीं अब बीजेपी ने इस योजना पर भी काम करना शुरू कर दिया है कि मुस्लिम वोट को कैसे साधा जाए, क्योंकि कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी के वोट नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी अब इसे दूरी को हटाने के लिए एक बड़े प्लान में काम कर रही है। क्या है इस बार मुस्लिम वोट बैंक को साधने का बीजेपी का प्लान, देखेंगे हमारी इस रिपोर्ट। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुसलमान वोटों को लेकर इस बार रणनीति में बदलाव किया है। वो मुसलमानों में पैठ बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं के साथ साथ रणनीतिक बदलाव भी कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा की करीब 110 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट अच्छी खासी संख्या में है। ऐसी अधिकांश सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। मुसलमान वोटों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने राजनीतिक रणनीति बनाने के अलावा सरकारी नीतियों का भी सहारा लिया है। इसके लिए केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं का सहारा लिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में 39% मुसलमान हैं और आवास योजनाओं के 37% लाभार्थी मुसलमान बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान मतदाताओं की संख्या करीब 20% है। मुसलमान पहले कांग्रेस को वोट करते थे, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद वो कांग्रेस से दूर होते चले गए। अब तक वो सपा बसपा और अन्य छोटे दलों को वोट करते हैं। बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ अब मुसलमानों को भी अपने पाले में करने की योजना बनाई है। पार्टी की नजर उन सीटों पर है जहां 2017 के चुनाव में उसे 5000 से कम वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि 2017 के चुनाव में करीब 2% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया था। मुस्लिम बहुल इलाकों की करीब 25 ऐसी सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को 5000 से कम वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। सहारनपुर नगर ऐसी एक सीट है, वहां बीजेपी को सपा ने 4639 वोटों के अंतर से हराया था। इस बार बीजेपी की योजना ऐसी सीटों पर मुसलमानों में अपना जनाधार बढ़ाने की है। तो मुसलमानों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिसंबर 2002 में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का गठन किया था। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच मुसलमानों में बीजेपी की पहुंच बनाने का भी काम करता है। वहीं बीजेपी ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चे को भी मजबूत किया है। अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम बहुल इलाकों में अपना बूथ और मंडल के स्तर के संगठन को विस्तार देने में लगा हुआ है। हर विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक मोर्चा के 50 कार्यकर्ताओं को उतारा गया है। एक कार्यकर्ता पर 100 मतदाताओं से संपर्क बनाने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा योगी सरकार ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, उर्दू अकादमी, राज्य हज कमेटी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का गठन कर राष्ट्रवादी सोच वाले मुसलमानों को इसमें शामिल किया है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी मुसलमानों में पैंट बनाने के लिए इस बार के चुनाव में किसी मुसलमान को अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं, और बीजेपी का मुस्लिम वोट को साधने का फॉर्मूला कितना सफल होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में मेरे साथ इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। हैप्पी दिवाली।